हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और ना मैं अभी तक उठा नहीं सोती। हेलो 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 हेलो। तो इनके भाव बड़े हुए हैं, ये बात नहीं करती। ये वाले भैया करते हैं हेलो हेलो। ये अच्छे हैं, देख लो उनके तो भाव जा रहे, बढ़ रहे हैं। और मम्मी भी लगा रही है आटा। राधे राधे। और दीदी चूना जला रही है। हाय दीदी, गुड मॉर्निंग। इधर देख के करते हैं, बोलना नहीं आता। ये भैया मस्त बोलते हैं, गुड मॉर्निंग पापा जी। तो गई मैं नहा ली, लेकिन मैंने तैयार नहीं हुई, तो प्लीज़ देखना मत मेरी शक्ल। और अभी हम रोटी बना के मैं यहीं से ही निकलूँगी ऑफिस। मैं दूध ले जाना, तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा। मतलब एक बार ये आस्था अभी सब्जी बना रहे हैं। ये ना मैं बार बार खा, बिस्किट नहीं खा रहा है, ये रो रहा है बार बार। वैसे नहीं होता ना, मैं नहीं होती तो। आस्था भाभी ने ये मिर्ची टमाटर डाले हैं, तेल मिर्ची टमाटर। जब मैं नहीं होती नहीं रोता नहीं? नहीं, अब रोता ना मैं। हाँ, आपका आपको तो बहुत परेशान करता है ये बुआ जी। यहाँ पे खाना बना रहे हैं, मम्मी नमक का है, नमक का है। आस्था भाभी सब्जी और बुआ जी खाना बना रहे हैं। और गाइस से मेरी बन गई टमाटर की सब्ज़ी। अब इसमें हल्दी और हल्दी की मिर्ची डालेंगे और हम खिला रहे हैं मम्मे को बिस्किट। खिलाओ बेटा, खिलाओ, खिला दूँ? खिलाओ। ये सब मेरे को परेशान करता है, जो यहाँ पर अकेला था ही, मेरे को परेशान नहीं कर रहा था किसी को भी। और अब रो रो के दिखाता है, रो रो के, है ना। अच्छा, और खिलाऊँ दोबारा में? ये लो, ये देखो नाटक शुरू हो गया, नाटक गंदा। मैं रेडी होके निकल गई हूँ देवली के लिए, और अभी नमे रहे हैं अपनी दादी के पास, उसको लेके मैं नहीं आई हूँ क्योंकि अभी मम्मी रुकेंगे थोड़े दिन और मुझे जाना था ऑफिस। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, 10 बज गए हैं, तो इतने मैं देवली पहुँच रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, फटाफट कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोबारा ना भूलिए। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। अभी ब्लॉग एंड नहीं किया है मैंने, अभी देवली पहुँचेंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे आज का दिन कैसा रहा। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक करिए। और मेरे को बस में एक छोटा सा बेबी मिला है, क्यूट सा, आपको दिखाती हूँ मैं। हेलो करना। तो ये बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, नॉटी नॉटी। इसको भी फ़ोन चाहिए, ये भी फ़ोन मांग रहा है देखने के लिए। तो आपके बच्चे भी कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और बने रहिए ब्लॉग में। गाइस मैं आ गई हूँ अभी घर, और घर पे आके मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे आके घर की हालत दिखाती हूँ आपको। इन दोनों भाइयों ने क्या कर रखी है, मैं गाँव की, सारे गंदे बर्तन ऐसे पटक रखे हैं, ये बर्तन पड़े हैं, घर में कोई झाड़ू नहीं लग रही, पूरे घर में कचरा फैला हुआ है। ये देखिए, ये बिस्तरों का हाल देखिए, ऐसे पटक रखा है। और यहाँ पे छाछ ढोल रखी है लेकिन सफाई करके नहीं गए। तो ये आदमी लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको क्यों लगता है कि औरत आएगी तो औरत सब कुछ कर लेगी? क्या औरत अकेले सब कुछ कर सकती है गाइस? इतना तो उनको करना चाहिए ना। सारी गंदगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए इसमें कूड़ा भरा रखा है, बस उसको फेंका नहीं गया इनसे। देखिए सारे घर की हालत इतनी ख़राब कर रखी है। और अब मुझे आज वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सारी सफाई करनी पड़ेगी, तो पहले सफाई में लगती हूँ इससे पहले कि और गंदगी हो जाए। वो देख के गाइस मेरा इतना खून खोल रहा है ना, ये देखिए। एक बात तो सच है, अगर औरत घर में ना हो ना तो आदमी घर को नर्क बना देगा। आदमी की बस की नहीं घर संभालना भाई, आदमी नहीं संभाल सकते। ये देखिए रसोई में सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है और ये दूध फट चुका है, इसको फेंका नहीं धोने के लिए, दूध ही ख़राब कर दिया, गर्म नहीं किया गया। सो गाइस मेरा सारा काम हो गया, ये देखिए मैंने पूरी झाड़ू लगा दी है, यहाँ पे बिस्तर सही कर दिया है, और यहाँ पे मैंने छाछ की भी कर दी है सफाई, और रसोई की भी झाड़ू निकाल दी है। तो अब फाइनली घर अच्छा लग रहा है, इसको उठा कर रखूँगी बस। और तो मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, अब मैं बनाऊंगी भिंडी का गुट्टा। तो भिंडी काट लेते हैं पहले फटाफट से। गाइस ये बन गई मेरी भिंडी की सब्जी, और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी क्योंकि अंधेरा पड़ने लगा है, काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है बहुत ज़ोर की। गाइस मैं नहा चुकी हूँ अभी खाना बना के, और अब मैं खा रही हूँ भिंडी और रोटी क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ फिर बनाएंगे ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही, रात हो चुकी है, देखिए काम करते करते। अब जाके मैं वही हूँ।